राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पूरे देश की निगाहें फिलहाल पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हुई है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अलीपुरद्वार जिला भाजपा सांसद जॉन बारला ने पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान में कहा था कि उत्तर बंगाल को एक अलग राज्य बनाते हुए केंद्रीय नियम लागू किया जाए, जिसका समर्थन करते हुए विष्णुपुर के सांसद सौमित्र खान ने कुछ अलग ही मांग किया। उन्होंने कहा कि जंगल महल को अलग राज्य बनाया जाए, लेकिन इन सबके बीच भाजपा राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बयान में यह साफ कर दिया कि भाजपा सांसदों का जो कहना है वह उनकी निजी विचार है और पार्टी का जो नियम होगा उसे सभी को मानना होगा। इस बीच दल बदल की प्रक्रिया भी जारी है। संपूर्ण विषय में एक और मोड़ देखने को मिल रही है, जहां दो दिन पहले देर रात को अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला के घर उनके पार्टी कार्यकर्तागण अपने परिवार के साथ शरण लेने पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें टीएमसी द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। इन भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी नेता ही नहीं बल्कि कुमार ग्राम पुलिस स्टेशन के आईसी वासुदेव सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर टीएमसी में शामिल होने के लिए उन्हें दबाव दिया जा रहा है। आगे आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये कुमार ग्राम जीपी का मेंबरशिप है, यहाँ 9 मेंबर है। देखिए, अपना घर द्वार छोड़ के जिस प्रकार से वहाँ का पुलिस प्रशासन आईसी कल 2 मेंबर को, हमारा पंचायत मेंबर को वो कल उठा के ले गया और टीएमसी में ज्वाइनिंग करने के लिए कर रख गया, और इनके घर घर में भी जाके पुलिस प्रशासन द्वारा टॉर्चरिंग किया। आज ये बाध्य होके अपना सुरक्षित पाने के लिए आज हमारा पास शरण लेने के लिए आया। बताइए कितना दुख का बात है। मैं बार बार बोल रहा था कि जिस प्रकार से उन्नति का बात होना चाहिए था, लेकिन आज देखिए जिस प्रकार से टीएमसी का गुंडा और टीएमसी को व्यवहार कर रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। आज यहाँ पर देखिए अपना छोटा छोटा बच्चा लेके हमारा पंचायत मेंबर, ये छोटा छोटा बच्चा लेके वहां से पुलिस का अत्याचार से, वहां का टीएमसी का गुंडा का अत्याचार से आज यहाँ पर मेरा पास घर में शरण लेने आया। कितना दुख का बोलछे जे तुम्हारा तृणमूले योगदान करो ना तो तुम्हारे नामे केस होते पड़े। के बोले छे कथा? एटा आईसी बोले छे। কোথা গড়া আছে? আমাদের এখানে পঞ্চায়েত আছে বাসুদেব সরকার। কোথা গড়া আছে? কুমারগ্রাম পিএস। আপনি পুলিশকে অত্যাচার করছে? পুলিশ আমাদের যে পঞ্চায়েত আছে পঞ্চায়েতদের ফোন করে পরিশান করছে এবং থানা থেকে লোক পাঠিয়ে তৃণমূলের গুন্ডাদের পাঠিয়ে বিরক্ত করছে। এজন্য আমরা আমাদের সাংসদ মাননীয় জন বারলা জির কাছে আমরা এসেছি। আপনি কত লোক আসছেন আজকে সাংসদ জন বারলা বাড়িতে? আমরা 9 জন এখানে পঞ্চায়েত আছি, ওনাদের এখানে হাজবেন্ড আছে, টোটাল আমরা 18 জন এখানে। वहीं गोरखा नेशनल कमेटी ने आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मीटिंग किया। कमेटी की तरफ से बताया गया है कि उन्हें उत्तर बंगाल के अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें उनकी पहचान के लिए अलग राज्य गोरखा लैंड की बात भी उन्होंने कहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कमेटी के तरफ से गवर्नर साहब से मिल के आए हैं, हम लोग 4 डेलीगेट्स हैं। हम लोग का ये कहना था जनरल साहब को कि अभी नॉर्थ बंगाल स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनाने का बात चल रही है, तो इसमें अगर पीपल्स एस्पिरेशन ऐसा है तो ठीक ही बात है, लेकिन हम लोग का जो रीज़न है, हमारा जो पुराना डिमांड है सेपरेट स्टेट गोरखा लैंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल द हिल्स तराई एंड डुअर्स, हम लोग का भी इसमें हम लोग का डिसीजन होना चाहिए। तो अलग से हम लोग का एस्पिरेशंस के लिए ये डिमांड फुलफिल होना चाहिए, ये आप सरकार को बताइए बोल के हम लोग उनको निवेदन किए हैं। और हम लोगों ने अपना डिफ़िकल्टीज क्या क्या है वो सब भी हम लोग बता दिए हैं कि यहाँ पर हम लोग का आइडेंटिटी का प्रश्न है, एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, इसीलिए इवन इफ यू क्रिएट नॉर्थ बंगाल स्टेट तो हम लोग का एक्सपीरियंस तो ऐसा ही रह जाएगा। अभी हम बड़ा बंगाल में, उस टाइम में छोटा बंगाल हो जाएंगे तो हमारा एस्पिरेशन नहीं होगा, इसीलिए हम लोग को भी सेपरेटली इसको आप लोग इशू को एड्रेस करना पड़ेगा बोल के आप सरकार को बोलिए बोल के हम लोग बोलते हैं। जो इलाका पीपीएस है, गोरखालैंड मुद्दा है, 11 कम्युनिटी है, अगर नॉर्थ बंगाल अलग होने से ये गोरखालैंड और पीपीएस मिल जाएगा आपको लगता है कि नहीं लगता है? वो तो सरकार का बात है, तो हम लोग को तो डिमांड है, हम लोग को होना चाहिए,
क्योंकि हम लोग का स्पेशल जैसा कि कामतापुर गटर कुचबिहार या नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट का जैसा बात है उससे हम लोग का थोड़ा अलग बात है। हम लोग का डेवलपमेंट का कोई प्रश्न नहीं है, हमारा डिमांड डेवलपमेंट करो ऐसा डेवलपमेंट का बात नहीं है, हम लोग का एग्जिस्टेंस हम लोग का आइडेंटिटी का बात है, इसीलिए हम लोग का सेपरेट कीजिए क्योंकि हम लोग का यहाँ रहने के लिए मुश्किल हो रहा है। जो आप नॉर्थ बंगाल का डिमांड का भी आप सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट इन द सेंस हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसके साथ में हम लोग का अगर आप नॉर्थ बंगाल में जोड़ेंगे तो उसमें तो हम लोग का ऑब्जेक्शन रहेगा और हम लोग को सेपरेट करना पड़ेगा सेपरेट स्टेट। आज अलीपुर द्वार के भाजपा सांसद जॉन बारला ने राज्यपाल से बातचीत किया और उन्होंने कहा कि जो पंचायत मेंबर उनके घर पर शरण लिए हुए हैं उन्हें सही सलामत उनके घर भेजा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ना आईसी ना डीएम ना सीएम कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहे, आखिर वो जाए तो कहां जाए। आगे आप सुनिए कि जॉन बारला ने इस पर क्या कहा। ऊपर जिला परिषद के ऊपर जिस प्रकार से पुलिस का टॉर्चरिंग, मोबाइल नीचे कीजिए ना, जिसके कारण से वहां का जितना भी मेंबर जिला परिषद प्रधान 3 दिन से मेरा घर में शरण लेके बैठा हुआ, तो ये घर जाना जाने के लिए डर रहा। मैंने वहाँ का आईसी, वहाँ का एसपी, वहाँ का डीएम अलीपुर का सुनना नहीं चाहता है। ये राज्य सरकार पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्यकर्ता का ऊपर, हमारे पंचायत मेंबर का ऊपर और साधारण जनता का ऊपर जिस प्रकार से पुलिस का टॉर्चरिंग है, इसी को लेके हमने, क्योंकि मुझे तो पुलिस प्रशासन द्वारा हमें कोई भी मदद या सहायता और इनका सुरक्षा का नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने आज बीते दिन हमारे महामहिम राज्यपाल के साथ हमने बात किया था कि जिस प्रकार से हमारा मेंबरशिप डरा हुआ है इसको फिर से हम घर वापस ले जाएंगे, तो इसीलिए हम आज एक डेपुटेशन दे के आए हैं कि इनको फिर से शांतिपूर्वक घर जाए और घर में कम से कम सुरक्षित रहे, इसी के लिए हमने राज्यपाल को यह बात हमने रखा। क्या बोला राज्यपाल ने, क्या बोला? भाई नहीं छूटा था, कानून से कोई भी बच नहीं सकता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, जरूर कानून कोई ना कोई एक्शन लेगा। अब जो डिमांड रखा है उस राज्यपाल के पास रखे, देखिए ये डिमांड के लिए हमने यहाँ पर नहीं आया, हमारा कार्यकर्ता जिस प्रकार से अत्याचार है पूरा पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में, हमारा हर एक विधानसभा आरिपुर में जिस प्रकार से, कुचबिहार में, जलपाईगुड़ी में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है हमारा कार्यकर्ता के ऊपर, इसीलिए मैं यही बात को रखने के लिए आया हूँ। अब दे के जा रहा हूँ मैं। काल तो अपने बोल चले राज्य लोग, ये बात गलत है। यह सब तो रही एक तरफ, आज तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर बंगाल से अलग करने के बयान को लेकर डाबग्राम फूलबारी के विधायक शिखा चैटर्जी के खिलाफ एनजीपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तृणमूल नेताओं ने कहा विधायक शिखा चैटर्जी ने उत्तर बंगाल में विकास के लिए केंद्र हस्तक्षेप की मांग की विचार व्यक्त की है। उनके इस बयान से उत्तर बंगाल के लोगों में अस्थिरता एवं राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है जिसे राज्य सरकार होने नहीं देगी। आगे आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2 তারিখে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা রেজাল্ট বেরোয়ার পরে আপনারা জানেন যে গতবারে 2016 থেকে 2021 আমরা আরও সিট বেশি পেয়েছি, 213 সিট দিয়ে আবার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু আমরা ইদানিংকালে দেখতে পাচ্ছি যে দু একজন এমপি বিশেষ করে জন মাল্লা এবং আমাদের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি যিনি বিজেপির থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, ইনারা এখন যে ডেভেলপমেন্ট করার কোনো কথা বলছেন না, কিন্তু উত্তরবঙ্গ শান্ত আছে সেই উত্তরবঙ্গকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন, বলছেন উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করতে হবে এবং উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করলে আরও ভালো হয়। এর তীব্র আমরা বিরোধিতা করছি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে 18 এমপি আছেন এবং উত্তরবঙ্গে ওদের 7 এমপি আছেন এবং 30 এমএলএ জিতেছেন, ওনারা
দিল্লিতে যাক, দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী থেকে ওনারা উত্তরবঙ্গের জন্য ওনারা ডেভেলপমেন্ট করুক, উন্নয়ন করুক, তাহলে নিশ্চয়ই মানুষ এখানকার ভালো বলো যেই প্রতিশ্রুতিগুলো ওনারা 2019 সালে লোকসভায় দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতিগুলো পালন করুক। আপনারা কি শিখা চ্যাটার্জি বা অন্যান্য যারা নেতা নেতৃত্ব আছে তাদের কি গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছেন? আমরা আজকে এফআইআর করেছি, অবশ্যই গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি এবং পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি এটা ইনকোয়ারি করে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে বেরিয়েছে এবং বিভিন্ন চ্যানেলে টিভি চ্যানেলগুলো যেগুলো আছে সেই চ্যানেলে ওনারা বক্তব্য দিয়েছেন, সেগুলো তদন্ত করে যাতে ওনাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। কী ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন? উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন, উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করতে হবে, উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করতে হবে, এর আমরা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে তীব্র বিরোধিতা করছি। আমি আজকে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে আমি এফআইআর করেছি, আমাদের 80 ঘরে এফআইআর করা হয়েছে এবং আমাদের 14টা ওয়ার্ডের শিলিগুড়ি টাউন ব্লক 3 যে প্রেসিডেন্ট আছে দুলাল দত্ত আগামীকাল ভক্তিনগরেও এফআইআর করবেন। इस विषय को लेकर के जब हमने विधायक शिखा चटर्जी से ओवर टेलीफोन बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। জন বার্লার কথা বলেছেন, আমি তো জন বার্লার কথা বলিনি, আমি আমার কথা বলেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিগত দিনে সিপিএম সরকার, বর্তমানে তৃণমূল সরকার, এতদিন ধরে ক্ষমতায় থাকার পরেও উত্তরবঙ্গের উন্নয়নটা হচ্ছে না, উত্তরবঙ্গে একটা শিল্প তৈরি হলো না, উত্তরবঙ্গের কোনো দিকে কিছু নজর নেই, এখানে বেকারত্ব বেড়ে রয়েছে, এখানে মানুষের কোনো কাজ হচ্ছে না। একটা উত্তর কন্যা রাখা হয়েছে, যে উত্তর কন্যাটা একটা শো, এই উত্তর কন্যাটায় কোনো দপ্তর ওখানে কিন্তু মানে নেই, মানে দপ্তর আছে কি জানি না, আছে জানি না, কোনোদিন ওই দপ্তর থেকে কোনো কাজ আজ পর্যন্ত হয়নি। ওটা একটা শুধুমাত্র মানুষকে আই ওয়াশ করার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে বলছি, যদি এটাকে প্রথমে বলা হয়েছিল এটা মিনি সেক্রেটারিয়েট হবে, কিন্তু মিনি সেক্রেটারিয়েট তো দূরের কথা, কোনো কিছু হয় না। কলকাতায় মানুষকে উত্তরবঙ্গ থেকে সবসময় যেতে হয়, ওখানে গিয়ে একদিনে কাজ হয় না, দুদিনে কাজ হয় না, তিন দিনে কাজ হয় না, একে কাজ করতে হয়, পয়সা সাপেক্ষ ব্যাপার, মানে মানুষের কষ্ট সাপেক্ষ ব্যাপার, এই সমস্ত গুলো সব কিছু মানুষকে মেনে নিতে হচ্ছে। তাহলে বলুন, আমি এখানে বলেছি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চাই, এতে যদি কেউ মনে করে যে আমার বিরুদ্ধে এফআইআর করবে, আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি এখনো বলছি, আগামীতেও বলবো, কেন্দ্রীয় শাসিত যদি কেন্দ্রের হাতে থাকে ব্যাপারটা, আমার মনে হয় ব্যাপারটা ভালো হয়ে যাবে, আমার মনে হয় অনেক কাজ এখানে হবে। সেই জন্যই বলছি, যখন এতদিনে উন্নয়ন হলো না, আমার মনে হয় না আর এখানে উন্নয়ন এইভাবে রাজ্য সরকার করতে পারবে। তাই বলছি কেন্দ্র, যদিও কেন্দ্র যদি হস্তক্ষেপ করেন এখানে ভালো হয়। আমি কোনোদিন আলাদা রাজ্য পশ্চিম ভাগ ভেঙে রাজ্য করতে তো বলিনি, এক মানুষের কথা বলিনি, এটা মানুষকে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে এফআইআর করেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, মিথ্যা কথা বলা সবসময় বলে, এখনো বলছে আগামীতেও বলবে, ওগুলো বড় কথা নয়। আমি পরিষ্কার বলছি, উন্নয়ন হয়নি, এত দিনে উন্নয়ন হয়নি, আজ পর্যন্ত উন্নয়ন হয়নি। উত্তরবঙ্গের মানুষ কি কেন এত অবহেলিত, কেন এত লাঞ্ছিত? উত্তরবঙ্গের মানুষকে লাঞ্ছনে এরকম লাঞ্ছনায় রাখা যাবে না। আপনারা এটা সম্পর্কে যা ইচ্ছে লিখতে পারেন, আমার কি লিখেছি, কিন্তু আমি পশ্চিমবঙ্গ ভেঙে আলাদা রাজ্য করবো এরকম কথা তো বলিনি। আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানে এই উন্নয়নের জন্যই কিন্তু এত সব কথাবার্তা হচ্ছে। আমি এই কথাটাই আপনাদের বুঝালাম। একদমই দিদি, যেভাবে যদি বলি আমরা ডাবগ্রামে বিভিন্ন থানাতে এফআইআর করছি, যেখানে ওদের তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য যে রয়েছে যে আলাদা রাজ্যে নিয়ে সেরকম একটা কথা, আলাদা রাজ্যে দুস্থই তো আছে, কেন আমি আলাদা রাজ্যের কথা বলতে যাব? আমি বলছি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের কথা, বারবার বলছি আয়ুষ্মান ভারত ঢুকছে না, আজকে উজালা যোজনা ভালো মতো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না, অটল বিহারী যোজনা এখানে কোনো রকম কিছু করতে পারছি না, মুদ্রা লোনের ব্যাপারটা ভালো মতো আমরা কোনো কিছু করতে পারছি না, সমস্ত যোজনার থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল বঞ্চিত, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে আমাদের মানুষের জন্য 21 তারিখে ওপেন হয়ে গেছে, আজ পর্যন্ত মানুষ সেরকম ভাবে ভ্যাকসিন পাচ্ছে না, ওপেন হয়নি। তো কি বলবেন এখানে, এখানে উত্তরবঙ্গ সম্পূর্ণরূপে লাঞ্ছিত, এটার বিরুদ্ধে বলেছি আমি সেন্ট্রালের হস্তক্ষেপ চাই, এটা কি অন্যায় বলেছি? এটাই আমার কথা, এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ চেয়েছি, অবশ্যই আমরা চাইছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এই সমস্ত স্কিম গুলো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো।
सभी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन अभी जो शिखा चैटर्जी कह रही थी वो भी आपने सुना। शिखा चैटर्जी बिल्कुल साफ तौर पर कह रही हैं कि अलग राज्य के लिए वो बिल्कुल नहीं कह रही हैं, केंद्र के द्वारा जितनी भी स्कीम हो उसे यहाँ पर लागू किया जाए वो चाहती है, और केंद्र की हस्तक्षेप जो है वो चाहती है। साथ ही अब आते हैं निष्कर्ष पर, यह जो माहौल बना हुआ है क्या यह बन रहा है या फिर इसे बनाया जा रहा है या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में क्या होने वाला है और उत्तर बंगाल की रूपरेखा क्या होगी, क्या होगा उत्तर बंगाल का भविष्य। आगे ऐसी ही ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए लगातार एसके लाइव पर। धन्यवाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा, पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे, डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स, तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1-800-572-9851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, Gate No. 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों